टाइटल बयान करने वाले हैं रेसलमेनिया बैकलैश में रोमन रेंस को टाइटल लॉस। जिंदर महल बनना चाहते हैं ब्रांड न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन और जानेंगे क्या कुछ हुआ आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स ब्लू एज। जी हाय, स्वागत है आपका डब्ल्यू जी की और वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बेसिकली कवर करेंगे 5 से 6 बड़ी खबरें। रुको दोस्तों, आपको देखना है अंत तक और वीडियो को करना है शुरू में लाइक। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यू न्यूज के साथ। तो आज ईडब्ल्यू के अंदर जो कुछ आज हुआ वो काफी शॉकिंग था। सबसे बड़ी थिंग जो कि आज की AEW में हम लोगों ने देखी वो था रूसेफ का चैंपियन बना। तो अगर आप रूसेफ के फैन रहे हैं, रूसेफ माचका के फैन रहे हैं WWE के अंदर, तो आपको बताना चाहूंगा आज दोस्तों हमारे रूसेफ ने AEW के अंदर टाइटल जीत लिया है। तो AEW डायनामाइट के अंदर दोस्तों उन्होंने टाइटल जीता TNT चैंपियनशिप, जहां दोस्तों उन्होंने डार्बी एलन को हरा दिया। काफी शॉकिंग था उन लोगों के लिए जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डार्बी यहां रिटेन कर लेंगे। वेल जो हुआ सो हुआ, मीरो चैंपियन बने, मैं तो काफी ज्यादा खुश हूं। चलते हैं अब WWE की न्यूज के ऊपर। सबसे बड़ी खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल से। भारत की शान जिंदर महल ने दोस्तों WWE चैंपियन बनने की कसम खा ली है। कहां खाई आपको बताता हूं। रॉ के अंदर दोस्तों इस हफ्ते हमने देखा कि जिंदर महल ने अपनी वापसी की, जेफ हार्डी को हराया, जहां दोस्तों हमने एक नया स्टेबल बनते हुए देखा। उनके साथ वीर और शैंकी सिंह भी दिखाई दिए हैं। आफ्टर रॉ दोस्तों हमें जिंदर महल दिखाई दिए थे रॉ टॉक पर, जहां उन्होंने जो कुछ कहा दोस्तों वो उससे भी ज्यादा शॉकिंग था। जिंदर महल ये चीज बोले कि अब उन्हें WWE चैंपियनशिप चाहिए। वहां दोस्तों आरतूत बैठे हुए थे। जिंदर महल ने सबसे पहले आरतूत की हंसी रोकते हुए चीज कही कि पहले चीज तो ये कि मुझे रिस्पेक्ट करो, और फिर उसके बाद उन्होंने शाउट आउट दिया वहां वीर एंड शैंकी सिंह को। वीर को दोस्तों उन्होंने ऐसा बताया कि उसने काफी ज्यादा स्ट्रगल की है। वहीं शैंकी को बताया है इंटेलिजेंट जायंट। वहां दोस्तों स्वयं के बारे में बोलते हुए जिंदर महल ये चीज बोले हैं कि अब जब लौटे हैं तो मोटिव लेकर लौटे हैं और वो बनना चाहते अब WWE चैंपियन फिर से। तो काफी ह्यूज थिंग यहां दोस्तों जिंदर महल ने कही है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। जैसी अपडेट दोस्तों हमारे सामने आई है, यानी कि फ्रेश अपडेट जो आई है वो ये बताती है कि इस समर स्लैम दोस्तों उनकी फाइट हो सकती है ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ, क्योंकि WWE के प्लान है कि इन दोनों भाइयों की, इन दोनों दोस्तों की फाइट करवाई जाए। वेल अगर ऐसा होता है तब तो दोस्तों उनका WWE चैंपियन बनना मुश्किल है समर स्लैम से पहले तक। लेकिन गाइस अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे हिसाब से वो लैशली को चैलेंज करते हैं और सीधे सीधे दोस्तों चैंपियनशिप मैच में उन्हें फेस करते हैं। चांसेस काफी ज्यादा हाई रहेंगे क्योंकि इस बारी दोस्तों उनके दो नहीं दो से ज्यादा हाथ है। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बैकी लिंच के रिटर्न से। तो जहां रिटर्न की बारिश हो रही है और बाहर भी बारिश हो रही है, बात कर लेते हैं दोस्तों बैकी लिंच की बारिश यानी कि रिटर्न की। तो गाइस बैकी लिंच का रिटर्न अभी तक नहीं हो पाया। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर रिटर्न हो जाता है खुदा ना खास्ता साल से पहले तो किसे फेस करेगी। तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहां जो पहला नाम निकल कर सामने आ रहा है वो है दोस्तों बेली का, क्योंकि गाइस हाल ही में बेली ने ह्यूज शॉट लिया बैकी लिंच के ऊपर। क्यों लिया मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली थिंग तो ये कि बैकी को इससे पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था रेसलमेनिया के अंदर, जहां रेसलमेनिया 37 में दोस्तों आपको एंगल देखने को मिला जहां दोस्तों बैकी आती है रैंप के ऊपर, काफी ज्यादा बोल बच्चन करती है वहां, बेमात के हल्क होगन को परेशान करती है, बेला ट्विंस आकर उन्हें इंटरप्ट करती है। यहां दोस्तों जो इंटरप्शन थी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां दोस्तों बैकी लिंच आएगी, लेकिन बैकी लिंच नहीं आती है। बेली ने दोस्तों इसी पर रिप्लाई देते हुए चीज कही कि लोग मूर्ख है, लोग रेसलमेनिया में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैकी लिंच वहां आकर मुझे परेशान करेगी, लेकिन वो नहीं लौटी। और साथ ही साथ मैं चीज कहना चाहूंगी कि वो नहीं लौटने वाली। यहां दोस्तों उन्होंने लोगों को सकर्स कहकर संबोधित किया है। माना दोस्तों उन्हें पूरा विश्वास है कि बैकी जिसने हाल ही में बिटिया को जन्म दिया वो अपना रिटर्न नहीं करने वाली। आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है दोस्तों कि बैकी लिंच का रिटर्न अवश्य होगा, क्योंकि दोस्तों उन्हें बच्चा हुए हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आप रख के चल सकते हैं कि साल के अंत से पहले बैकी जरूर लौटेगी। और होप करता हूं दोस्तों कि बेली को फेस करेगी, क्योंकि बेली ने बहुत कुछ कह दिया है। अब बेली की ले ली जाएगी ये तो दोस्तों फ्यूचर ही बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों डार्क सुपरस्टार यानी कि अलेस्टर ब्लैक से। तो अलेस्टर ब्लैक हमें काफी समय से स्मैकडाउन के अंदर टीजर गिराते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गाइस हमने नहीं देखा है कि वो किस शेप में है, लेकिन अब वो भी हमें पता चल चुका है। अलेस्टर ब्लैक ने दोस्तों बीती शाम तस्वीर डाली इंस्टाग्राम के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं यहां साफ पता चल रहा है कि अलेस्टर ब्लैक ने काफी बढ़िया वेट पुट ऑन कर लिया है। साथ ही साथ इस जर्नी के ऊपर उन्होंने काफी लंबा कैप्शन लिखा है।
आपको बताना चाहूंगा इस पर रैंडी ऑर्टन का रिप्लाई आया है। रैंडी ऑर्टन ने नीचे क्या चीज लिखी, रैंडी ऑर्टन ने ये चीज लिखी है कि तुम अपने टाइप के इकलौते सुपरस्टार हो, इस बॉडी को बनाए रखना दोस्त। इस पर दोस्तों अलस्ट ब्लैक का रिप्लाई आया, उन्होंने कहा आई अप्रिशिएट यू। माना दोस्तों दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अब यहां दोस्तों रैंडी की बात करूं, रीडल के साथ टीम बनाए हुए हैं। इन फ्यूचर दोस्तों अगर अलस्ट ब्लैक और रैंडी साथ दिखते हैं तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या वो चैंप बनने के काबिल हो गए, क्या वो टैग टीम चैंपियनशिप जीत पाएंगे कि नहीं? होप करते हैं ऐसा कुछ हो, होप करते हैं दोस्तों टीम बने। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों डेनियल ब्रायन के रिटर्न, रोमन रेंस पर हमले और सिजारो के चैंपियन बनने से। तो गाइस हाल ही में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ स्मैकडाउन के अंदर, स्मैकडाउन के अंदर डेनियल नहीं दिखाई दिए, वहां दोस्तों रोमन रेंस ने फिर भी डेनियल ब्रायन का नाम लिया। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको एक वीडियो में अपनी पिछली बताया था कि डेनियल ब्रायन पर अपडेट है कुछ ऐसी कि अगर बार बार उनका नाम लिया जाता है तो एक सबूत होगा कि डेनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यूई को रीसाइन कर चुके हैं। दरअसल दोस्तों डेनियल ब्रायन का कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ब्रीच आउट हो चुका है और ऐसे में दोस्तों अब डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें साइन करने में लगी हुई है, लेकिन डेनियल के प्लान्स ये भी है कि वो आउटसाइड ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जाकर फाइट दे। ऐसे में दोस्तों कश्मकश चालू है। बट गाइस क्या हो कि अगर फिर से रोमन रेंस इस हफ्ते नाम ले डेनियल ब्रायन का, डेनियल ब्रायन दोस्तों सभी जानते हैं कि स्मैकडाउन के अंदर तो नहीं लौट सकते, लेकिन उन्हें एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि रेसलमेनिया बैकलैश में आए, चूंकि दोस्तों सिजारो के काफी अच्छे मित्र है और इस बीती स्मैकडाउन में सिजारो ने भी डेनियल को डिफेंड किया। हम रख के चल सकते हैं कि वहां वो आकर उनकी हेल्प करे और रोमन रेंस को टाइटल लूज करवाए। आप जानते हैं दोस्तों कि इस बारी जो रोमन रेंस है पहले से ज्यादा ताकतवर होकर आएंगे रेसलमेनिया बैकलैश में, क्योंकि गाइस उनके भी दो हाथ नहीं रहने वाले, जे उसो तो उनके साथ होंगे ही होंगे। मुझे क्या लगता है इस बारी के स्मैकडाउन में जिमी उसो भी उनका साथ देने वाले, क्योंकि सिजारो ने लास्ट वीक जिमी को भी पीट दिया था। तो यहां दोस्तों हम रख के चल सकते हैं अगर वहां सिजारो को जरूरत पड़ी है किसी की, तो गाइस वहां डेनियल ब्रायन का रिटर्न हो सकता है। जरूरत पड़ती है डेनियल आ सकते हैं और दोस्तों वहां पिटाई कर सकते हैं रोमन रेंस की। सिजारो की दोस्तों जर्नी काफी लंबी रही है, अभी तक दोस्तों उन्होंने कोई भी मेजर टाइटल नहीं जीता, ऐसे में दोस्तों काफी बड़ा लम्हा बन सकता है, होप करते हैं ऐसा कुछ हो। साथ ही साथ दोस्तों अगर रोमन टाइटल लूज भी नहीं करते हैं फिर भी डेनियल का आना कहीं ना कहीं हमें एक्साइट कर सकता है। आप क्या चाहते हैं दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया बैकलैश में, क्या रोमन रेंस को टाइटल रिटेन करना चाहिए या फिर सिजारो को मिलना चाहिए वो थिंग, वो तमगा जिसके वो काफी ज्यादा हकदार है? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।